फास्ट ट्रैक सीरीज के डे 8 पर, और डे 8 पर मैंने जब फास्ट ट्रैक सीरीज का डे 3 चल रहा था तब मैंने आपको रिलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके, जाहिर सी बात है, रिलाइजेशन के लिए एंट्री पास करने के लिए आती ही आती हैं। तो आज मैं समझाने वाला हूं कि रिलाइजेशन की जब हम एंट्री पास करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखी होगी। और ये मान लो आपका पूरा एक घर है। अब आपको क्या करना है कि साहब मुझे सबसे पहले एसेट्स को बेचना है या ले जाना है, तो आप क्या करोगे, इनको पहले अभी एक रूम में रख लो, सारी एसेट्स को इकट्ठा करके एक रूम में रख लो। तो सबसे पहले हम रिलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उसे DR7 में डालते हैं, यानी कि 2 में। यानी कि आपको क्या करना है, सारी एसेट्स को एक रूम में बंद कर दो, क्योंकि जब मैं बेचूं तो उसमें से एसेट्स ही निकले। तो उनको रूम में बंद कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है बेटा, वो समझो। जब हम सारी एसेट्स को रिलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, पहले मैं एंट्री बताऊंगा। ट्रांसफर करने की हमारी बेटा एंट्री क्या होती है, रिलाइजेशन अकाउंट DR2। क्या हम ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, एसेट्स अकाउंट। ये तो एंट्री होती है जब हम एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जो, जैसे कि मान लो आपका घर है, अब घर में अलग अलग चीजें अलग अलग बिखरी पड़ी हैं। अब अभी आपको क्या करनी है कि एक रूम में सारी एसेट्स कर लो। तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो एसेट दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको सारी एसेट्स DR7 में नोट कर लेनी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, सारी एसेट्स में कैश नहीं होना चाहिए, बैंक नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि सारी एसेट्स लेकिन कैश, बैंक और लॉस को छोड़कर। यानी कि यहां आपका जो बैंक दिख रहा है ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा, यहां आपको ये कैश दिख रहा है ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहां ट्रांसफर हो जाएंगी। जैसे कि 2 गुडविल है, 2 बिल्डिंग है, 2 मशीन है, 2 डेटर्स है। ये तो हमने एसेट ट्रांसफर कर दी बेटा, ये आपकी यहां पे एसेट्स ट्रांसफर हो गई। अब बात आती है लायबिलिटीज की। यानी कि अब जब एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो लायबिलिटी भी तो ट्रांसफर करोगे। एक कमरा कर लिया आपने कि सब मैं सारी एसेट उस कमरे में रख दूंगा, उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले रिलाइजेशन के DR7 में सारी एसेट्स को नोट कर लो। अब लायबिलिटी भी करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं लायबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है। जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रिलाइजेशन में तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट DR2 रिलाइजेशन अकाउंट। ये तो हो गई ट्रांसफर करने की। अभी मैं सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं, यानी कि चीजों को उठा के मैंने 2 कमरे ले लिए, एक कमरे में सारी एसेट्स और एक कमरे में सारी लायबिलिटी। तो मैं यहां सारी लायबिलिटी ट्रांसफर करूंगा। लेकिन बेटा इसमें भी कंसेप्ट है, लायबिलिटी थर्ड पार्टी की होनी चाहिए, जो आपकी लायबिलिटी है वो थर्ड पार्टी की होनी चाहिए। यानी कि पहली बात, लायबिलिटी में रिजर्व नहीं आएगा। रिजर्व आप क्यों बनाते हो, रिजर्व आपको मालूम है कि ये रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा। लायबिलिटी में पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आएगी, लायबिलिटीज में किसी पार्टनर के द्वारा लिया गया लोन नहीं आएगा, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यहां रिजर्व दिख रहा है ये ना ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स की कैपिटल है ये यहां ट्रांसफर नहीं होगा, मिसेज ए का लोन है यानी कि ए और बी पार्टनर है, ए की वाइफ का लोन है ये थर्ड पार्टी का लोन है ये यहां आएगा, क्रेडिटर थर्ड पार्टी के हैं, बीपी थर्ड पार्टी का है ये यहां आएगी। यानी कि लायबिलिटी सारी आएंगी, कौन कौन सी छोड़कर, रिजर्व अकाउंट को छोड़कर, पार्टनर्स की कैपिटल को छोड़कर और पार्टनर्स का लिया गया लोन को छोड़कर। कहने की बात यह है कि सर जितनी भी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी बनती है वो सब आएंगी। तो यहां मैं डाल दिया बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, बाय मिसेस लोन। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, हमने बैलेंस शीट दे रखी थी ऐसी। अब हमने रूम बनाया, एक रूम का नाम दिया रिलाइजेशन, उसमें 2 कमरे हैं, एक में मैंने सारी एसेट डाल दी 2 साइड में, कौन कौन सी छोड़कर बेटा, कैश, बैंक और लॉस को छोड़कर। बाई साइड में मैंने सारी लायबिलिटी डाल दी 3 चीज को छोड़कर, रिजर्व को छोड़कर, पार्टनर कैपिटल को छोड़कर और किसी पार्टनर के द्वारा लिया गया लोन को छोड़कर। यानी कि थर्ड पार्टी का जो लोन होगा वो आएगा। एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो रिलाइजेशन अकाउंट DR2 एसेट्स,
लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी अकाउंट डी आर टू रिलायशन। यहां तक कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, अब आपको मालूम है दोनों चीज ट्रांसफर हो चुकी है, एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी है और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी है। अब सबसे पहले मैंने एसेट्स बेचना शुरू किया, सबसे पहले मैंने निकाली मशीन, मशीन की वैल्यू थी बैलेंस शीट में 15,000 की और मान लो सेल हो गई 20,000 रुपए की। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अब आपको इसमें मशीन मशीन से मतलब नहीं है, अब आपको मालूम है कि एक कमरे में सामान रखा है और वो मुझे बेचना है या मैं ले जाऊंगा। अगर आप मशीन बेचोगे तो आपने बेची 20,000 की, आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है सर। टू में क्या आएगा? टू में मशीन नहीं आएगी, टू में क्या आएगा? रिलायशन अकाउंट। ये दूसरी एंट्री होती है। जब हम एसेट्स को रिलाइज्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कितने की बिकी? 20,000 की। मुझे सर उससे मतलब है कि वो चीज कितने की बिकी, मुझे पैसे से मतलब है सर, क्योंकि मैं भाई बंद करके जा रहा हूं, फर्म खत्म हो रही है। कितने की बिची? 20,000 की। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डीआर टू रिलायशन अकाउंट, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिलायशन अकाउंट। कह सकता हूं एसेट्स नहीं आएगा बेटा, पैसा आएगा, है ना? क्लियर है पॉइंट? क्या आएगी एंट्री? कैश आया सर हमारे पास, कैश अकाउंट डीआर टू रिलायशन अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? रिलायशन में एंट्री क्या आती? कैश अकाउंट डीआर टू रिलायशन अकाउंट। यहां क्या होगा? बाय कैश, ब्रैकेट में क्या डालोगे? क्या सेल हुई है? मशीनरी 20,000 रुपए। क्लियर है सर? क्लियर है। अगर लायबिलिटी पेड करूंगा मैं, अगर मैं लायबिलिटी पेड करूंगा सर, तो मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। उस लायबिलिटी से मतलब नहीं है भैया, मैं अपनी लायबिलिटी चुका रहा हूं, मेरे पास से कैश जा रहा है, कमरे में से जो चीज है वो खत्म हुई। रिलायशन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट संभाल लो, मैंने क्रेडिटर का पेमेंट किया है, इसका ट्रीटमेंट सर मैं रिलायशन में कैसे करूं, आप ये तो बता दो। हाँ बेटा ऐसे करेंगे, टू कैश, जो लायबिलिटी पेड करी उसका नाम ब्रैकेट में और यहां डाल दिया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये तो आप जब बता रहे हो जब हमने कैश में बेच दिया या कैश में पेमेंट कर दिया। सर अगर पार्टनर ले गया हो कोई चीज तो क्या करेंगे? सर अगर कोई चीज पार्टनर ले गया तो क्या करेंगे? तो बेटा उसमें आप क्या करोगे? देखो उसमें आप क्या करोगे? पार्टनर ले गया, उस कंडीशन में यहां कैश आ रहा है, मान लो ये मशीन एक्स ले गया, तो पैसा तो आया नहीं आपके पास, तो मान लो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट क्या ले गया? ये मशीन अमाउंट। सर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी का पेमेंट किया, क्या करेंगे? करेंगे ना बेटा, टू क्या हुआ? एक्स ने पेमेंट किया है और किस चीज का? वो ब्रैकेट में ये बंद हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात, अगर आपको बैलेंस शीट में किसी एसेट्स का अमाउंट दे रखा है और वो आपने रिलायशन में ट्रांसफर करी है, लेकिन उसका वो अमाउंट नहीं दे रखा कि वो कितने में सेल हुई, या वो अमाउंट नहीं दे रखा कि वो पार्टनर कितने में ले गया, तो हम उसकी वैल्यू जीरो मानते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? हम उसकी वैल्यू जीरो मानते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर हमने किसी अपने लेनदार को कोई एसेट दे दी, हमने 17,000 के क्रेडिटर देने थे उनको, हमने अपनी एक मशीन दे दी, 17,000 के क्रेडिटर हमारी एक मशीन ले गए, इसकी एंट्री सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, रिलायशन अकाउंट डीआर टू रिलायशन हो गया। यानी कि जो कमरे से एक कमरे से ये चीज निकली तो दूसरे कमरे से भी ये चीज निकल गई। तो यानी कि जब हमारे कोई कर्जदार को हम कोई एसेट दे देते हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो अफेक्ट। तीसरी चीज, अगर आपको कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में है और वो आपने ट्रांसफर करी है, वो आपने ट्रांसफर करी है बैलेंस शीट में, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि रिलायशन एक्सपेंसेस पेड हैं, इसका आपको अमाउंट नहीं दे रखा कि कितने की लायबिलिटी पेड करी, तो क्या सर हम इसे जीरो मानते हैं? नहीं बेटा, जितने क्या मान लो क्रेडिटर 15,000 के थे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, तो हम इसे 15,000 ही मानते हैं, क्योंकि ये तो हमें चुका के जानी पड़ेगी पड़ेगी। तो बेटा रिलायशन के बारे में इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन